हेलो एवरीबॉडी, टुडे आवर लेसन इज सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। लुक एट द स्काई, स्काई में देखिए, यू कैन सी अ नंबर ऑफ स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई। आप देखेंगे बहुत सारे तारे रात को, नाइट में ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। यू कैन ऑल्सो सी अ मून शाइनिंग इन द स्काई, और हमें नाइट में मून भी स्काई में शाइन करता हुआ दिखता है। इन द मॉर्निंग वी सी ब्राइट सन इन द स्काई, और सुबह होते ही मॉर्निंग में हमें दिखता है सन। अलोंग विद द स्टार्स द मून एंड द सन देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई में मून और सन के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज हेवनली बॉडीज। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? हेवनली बॉडी। द स्काई इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ी है। And it has planets, satellites, comets, meteors and asteroids. अब planets और satellites के अलावा comets, meteor और asteroids भी होते हैं। All these heavenly bodies are the part of the universe. और ये सारा हमारा सारे parts जो है, हमारी earth भी, moon भी, बाकी सब भी जो आपने पढ़ा, वो universe के part है। Universe is a vast space, बहुत ज़्यादा बड़ा space। आप सोच भी नहीं सकते, ये कभी खत्म भी नहीं होता। Universe इतना बड़ा है, इतना स्पेस, जहां तक देखो, जहां तक जा सकते हैं, कहें कि जहां तक नहीं भी जा सकते, हम पूरा स्पेस को हम ट्रेवल नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन अलोंग विद इट्स 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम जो है वो सन की फैमिली है, जिसमें उसके साथ 8 प्लैनेट्स भी हैं। और प्लैनेट्स के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। जैसे प्लैनेट हमारा अर्थ और अर्थ का सैटेलाइट मून, ऐसे ही 8 सैटेलाइट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं। और दूसरी हेवनली बॉडीज जैसे कॉमेट, मीटियर्स और एस्टेरॉइड्स भी है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सन। सन जो है इज अ स्टार एंड इट इज क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। आप इतने सारे स्काई में स्टार्स देखते हैं, तो सन भी एक स्टार है। डिफरेंस क्या है कि सन जो है वो सबसे पास है अर्थ के। It gives us heat and light. ये हमें heat और light देता है। The sun is the head of the solar system. Solar system का, पूरी family का sun जो है वो head है। All the planets revolve around the sun in a definite orbit. सारे जो planets हैं वो sun के चारों ओर revolve करते हैं, उनका एक fixed path है, जिसको हम कहते हैं orbit. Sun जो है is a huge ball of fire. आग का बहुत बड़ा गोला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक reaction हो रहा है। कौन सा? कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू अनदर गैस हीलियम। न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, विच रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पे भी लाइफ नहीं होगी। अर्थ में लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें सन से हीट और लाइट मिलती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन ही है जो सारी एनर्जी का सोर्स है। कैसे? सारी एनर्जी जो है, प्लांट्स हैं, प्लांट सन की एनर्जी को लेके फूड बनाते हैं और वही फूड हमें मिलता है। तो हमें खाना जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है? सन से। तो इसलिए सन पूरा जो लाइफ है अर्थ पे वो सन की वजह से ही है।